हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अवै आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर सीमा मिश्रा यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को क्या कर लेंगे सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे शेयर कर देंगे एक बार और यहाँ पर लिख के आएँ पूरी किताब के जी हाँ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है मुझे लगा कि आपके पेपर में आ सकते हैं वो भी कितने आपके चौबीस फरवरी के दिन सॉरी सत्ताईस फरवरी को कोश तो हो वहीं मैं लेकर आया हूँ कोशिश करूंगा कि आपका लघु उत्तरी अति लग उत्तरी उत्तरी ढेर सारे प्रश्न कवर करवा देंगे ऑब्जेक्टिव तो कवर करवा देंगे काम खत्म ठीक है ना तो हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं तो इसलिए पे आप पढ़ लीजिएगा ये सारे सारे क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं और आने की संभावना है तो क्यों ना हम लोग संभावित प्रश्नों को ही पढ़े यार ऐसे प्रश्नों को क्यों पढ़े जो कि पेपर में पूछा ही ना जाए तो केवल आप वही प्रश्न पढ़िए जो कि आपके पेपर में पूछा जाए और सबसे क्या हो महत्वपूर्ण हो यहाँ पे प्रश्न है प्लाज्मिट किसे कहते हैं प्लाज्मिट किसे कहते हैं टाइम आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे जल्दी जल्दी आपको पूरा पूरा कव करवाएंगे तो जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए अणुओं में अणुओं को जिनमें अंसिक सूचनाएं निहित होती हैं उसे प्लाज्मिट कहते हैं हमारे साथ याद करिए कि भाई साहब प्लाज्मिट क्या होता है तो आप सीधा बताइएगा जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त जो जीवाणु होते हैं उसमें वृत्ताकार क्या उपस्थित होते हैं डीएनए के अणु उपस्थित होते हैं इसके अतिरिक्त कुछ छोटे -छोटी, छोटे 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 गुणसूत्री डीएनए अणुओं में अणुओं में जिसमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है प्लाज्मिक कहते हैं बात समझिएगा जो जीवाणु होते हैं उसमें एक मुख्य वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है उसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे क्या उपस्थित होते हैं डीएनए के अड़ उपस्थित होते हैं और उसमें अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं जिसे हम लोग क्या हैं? कहते हैं प्लाजमिट कहते हैं बात समझ आ रही है चलिए सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है प्लाजमिट का मुख्य उपयोग क्योंकि आपका क्वेश्चन बना हुआ प्रश्न है तो मैंने सोचा जो, जो, जो आपका बना हुआ प्रश्न है आपके पेपर में आ सकता है तो क्यों ना क्यों हम उसको डिस्कशन करवा दें ताकि आप भाई साहब जाइए पेपर में छाप के आइए ठीक है ना तो प्लाजमिट का मुख्य उपयोग क्या होता है देख लीजिए प्लाजमिट का उपयोग डीएनए की कॉलोनी प्रकृति बनाने के लिए किया जाता है इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते हैं प्लाज्मिट क्या होता है प्लाज का उपयोग क्या होता है प्लाजमिट आप समझ गए जो कुछ जीवाणु होते हैं उसमें मुख्य वृत्ताकार मुख्य वृत्ताकार डीएनए के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे डीएनए के अड़ उपस्थित होते हैं जिसमें अनुवांशिक सूचनाएं नहीं होती है उसे हम लोग प्लाज्मिट कहते हैं अब प्लाजमिट का उपयोग क्या है तो प्लाज्मिट का जो उपयोग किया जाता है यह पुनर्योगज डीएनए की कॉलोनी जो पुनर्योगज कॉलोनी होती है उसकी प्रकृति को बनाने में किया जाता है प्लाज का उपयोग देने की कॉलोनी, कॉलोनी, क्लोनी प्रतिकृति बनाने में किया जाता है इस पर एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होता है इस पर और क्या उपस्थित होता है एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन भी उपस्थित होते किस पर प्लाजमिट पर उसके बाद यहां पे प्रश्न है कि बायोपायरेसी क्या है यह आपका इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बायोपायरेसी क्या है किसे कहते हैं बायोपायरेसी तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के उनके जैव संसाधनों का उपयोग करते हैं बायोपायरेसी कहलाता है बायोपायरेसी क्या होता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना पूछे मते या बिना व्यवस्थित तरीके से बिना अनुमोदन के क्षतिपूर्वक भुगतान एवं उनके जैव संसाधनों का क्या करते उपयोग करते हैं जिसे हम लोग बायो पायरेसी कहते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लघु प्रश्न में आपको बता दे रहा हूं आप लोग परेशान मत होइएगा उसके बाद प्रश्न नंबर चार है नागफनी के पौधों में पत्तियां काटो में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं जो नागफनी का पौधा होता है इसमें पाई जाती पत्तियां और यही पत्तियां बाद में काटो में तो में काटों में परिवर्तित हो जाती हैं ऐसा क्यों तो वातपोसर्जन की क्रिया को रोकने के लिए नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं नागफनी का पौधा आप देखेंगे बहुत ही क्या होता है हरा होता है क्या होता है हरा होता है और इसमें क्या होता है वातपोत्सर्जन होता है वातपोत्सर्जन होता है और इसकी क्रिया को रोकने के लिए कम करने के लिए जो इनकी पत्तियां होती हैं यह किसे में परिवर्तित हो जाती है कांटों में परिवर्तित हो जाती है ताकि सर्जन की क्रिया ना हो बात समझ आ रही है प्रश्न नंबर पांच है यहाँ पे पांच ये कह रहा है कि किन्हीं दो स्वामी प्राणी के नाम लिखिए किन्हीं दो स्वामी प्राणी के नाम लिखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्वामी प्राणी क्या होते हैं तो स्वामी प्राणी क्या होते हैं उसका उत्तर यहाँ पे देखिए क्या होता है वाह स्वामी प्राणी के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार बदलता रहता है यानी कि वे जीव जो अपने अपने बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से बदलते रहते हैं उसे हम लोग वाह स्वामी प्राणी कहते हैं वाह स्वामी प्राणी क्या होता है याद रखिएगा ऐसे जीव ऐसे प्राणी जो बाहरी टेम्परेचर की जो बाहरी टेम्परेचर यानी जो प्रकृति का वातावरण है उसके अनुसार अपने शरीर का टेम्परेचर क्या करते रहते हैं बदलते रहते हैं परिवर्तित करते रहते हैं उसे हम लोग स्वामी प्राणी कहते हैं जैसे उभयचर तथा सरसृप वर्ग के प्राणी जितने भी होते हैं वह स्वामी प्राणी के क्या होते हैं उदाहरण होते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है उसे हम पहले डिस्कशन कर देंगे आपको समझा देंगे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए ठीक है ना बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर छठा है कि स्टोन प्रजाति क्या होती जी हाँ प्रजाति क्या होती है आपको बताना है वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है की स्टोन प्रजाति कहलाता है की स्टोन प्रजाति क्या होता है वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं उसे क्या कहा जाता है की स्टोन प्रजाति कहते हैं याद रखिएगा है की स्टोन प्रजाति क्या होती है वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण के प्रमुख परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है उसे की स्टोन प्रजाति कहते हैं उसके बाद यहाँ पे सातवां प्रश्न है सातवां यह प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीपों में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है तो भारतीय महा भारतीय उपमहाद्वीपों में कितने विविधता हॉटस्पॉट स्पॉट है तो भारत में वर्तमान समय में कुल चार हॉटस्पॉट है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने जैविकता हॉटस्पॉट है तो कुल याद रखिएगा चार कितने हैं चार हॉटस्पॉट स्पॉट है पहला पश्चिम हिमालय में है दूसरा पश्चिम घाट में है तीसरा इंडो वर्मा में है और चौथा क्या है यह है सूडालैंड में है कौन सा है सूडा लैंड में होता है सूडा लैंड में होता है एक सेकेंड मैं आपको बता दूं कि हॉटस्पॉट क्या होते हैं ये हॉटस्पॉट होते क्या है तो वह स्थान या वह क्षेत्र जहां पर वह क्षेत्र जहां पर जीव जातियों की घनी आबादी पाई जाती है उसे हॉट स्पॉट कहते हैं याद रखना हॉट स्पॉट क्या होता है वह वह स्थान वह क्षेत्र जहाँ पर जीवों की घनी आबादी होती है यानी कि पश्चिमी हिमालय में घनी आबादी है पश्चिमी घाट में है पश्चिमी घाट में बहुत घनी आबादी है इंडो वर्मा में भी जो कि पूर्वी हिमालय है और सूडालैंड में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी होती है और इसे ही हम लोग क्या है? कहते हैं हॉट स्पॉट कहते हैं यहां पर जीवों की बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है विविधता का मतलब यह है कि जहां पर जीव अनेक प्रकार से पाए जाते हैं मतलब कि ढेर सारे अनेक अनेक जीव पाए जाते हैं अगर हम बात करें पेड़ में तो पेड़ के कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे आप देखते होंगे महुआ का पेड़ आम का पेड़ बरगद का पेड़ ठीक है ना सैतूत का पेड़ तो इस पर गुल एक गुलरी होता है गुलर गुलर का पेड़ तो इत्यादि पेड़ होते हैं तो ये एक दूसरे से क्या अलग है महुआ का पेड़ आम का पेड़ नीम का पेड़ बरगद का पेड़ पीपल का पेड़ तो ये एक दूसरे से पेड़ है पक्षी ही ही। तो, तो एक है ना लेकिन पक्षी कई प्रकार के होते हैं जैसे पक्षी में आपका आता है आप कह सकते हैं है, तोता भी आता है मोर भी आता है बतख भी आता है ठीक ना गौरैया भी आता है तो कई सारे पक्षियां होती हैं पक्षी एक है लेकिन प्रकार बहुत है तो ये क्या है इसको विविधता कहते हैं क्या कहते हैं विविधता कहा जाता है है तो हॉटस्पॉट क्या होता वह क्षेत्र जहां पर जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं तथा वहां पर जीवों की बहुत ज्यादा घनी आबादी होती है उसे हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं जैसे पश्चिमी हिमालय पश्चिम घाट इंडोवर्मा सूडालैंड अंडमान निकोबार इसमें दो हॉटस्पॉट भारत के पुढ़ते अंदर है और दो हॉटस्पॉट भारत के कुछ भाग में है जो पुढ़ते हैं अंदर वो दो हैं और कुछ भारत से जुड़े हुए हैं अगला प्रश्न यहाँ पे उस प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां पर भारतीय गैंडे संरक्षित है तो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे पाए जाते हैं यह कहा का, का यह है भारत में है और जो कि असम में स्थित है असम राज्य में भारत के असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है असम में स्थित है यहां पर भारतीय गैंडे संरक्षित है यानी कि उपस्थित है उसके बाद यहाँ पे इंटरफेरॉन तथा प्रियांश क्या है इंटरफेरॉन्स किसे कहते हैं और यह प्रियांश क्या होता है आपको बताना है इंटरफेरस क्या देखिए यहां पे ये प्रोटीन अणु है जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है ये क्या होते हैं यह प्रोटीन के अणु होते हैं इंटरफेर प्रोटीन के अणु होते हैं जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा होता है ये समीपवर्ती कोशिकाओं को, को संक्रमण से बचाने में क्या होते हैं सहायक होते हैं और ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में क्या होते हैं बहुत ही हेल्प करते हैं उसके बाद प्रियांश क्या होते हैं ये संक्रामक प्रोटीन्स है प्रियांश भी क्या संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं ये उच्च ताप एवं विकरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं बात समझ आ रहा है इंटरफेरस क्या होता है इंटरफेरस प्रोटीन के अणु होते हैं जिनका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में क्या होते हैं सहायक होते हैं प्रियांश क्या होता है ये संक्रामक प्रोटीन है ये उच्च ताप एवं विकरण से क्या होते हैं प्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं उसके बाद है यहाँ पे अगला आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे टी तथा बी लिम्फोसाइड का निर्माण तथा परिपक्वन पर कहाँ पर होता है तो टी और बी लिम्फोसाइड का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है टी और बी लिम्फोसाइड का निर्माण कहाँ पर होता है अस्थि मज्जा में होता है टी लिम्फोसाइड का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है और बी का परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, में होता है, होता है। इसको नोट कर लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ग्यारह है ग्यारह क्या है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण संकरण से क्या तात्पर्य है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संक्रमण संकरण Osionfish. क्या होता है किसे कहते हैं तो जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं तो इसे क्या जाता कहा जाता है टेस्ट क्रॉस कहा जाता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसका संकरण हम लोग शुद्ध अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका लघु उत्तरी प्रश्न भाई साहब तैयार कर लीजिए और जितने भी वीडियो मिलेंगे आप लोग बस पढ़ते चले जाइए एक बार पढ़ के एक बार याद कर लीजिए काम खत्म इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल एसके मिशन भेजवा दूंगा जाके आप डाउनलोड कर लीजिए ओके दोस्तों थैंक यू जय हिंद